दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुणभूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। अरुणभूमि टीम लगातार अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हम लोग लगातार न्यूज कवरेज कर रहे हैं। अभी हम लिए चलते हैं आप सभी को अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि सीएम सर्कल के अंतर्गत आता है, वहां के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप सभी को हम जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी आपको दिलिंग प्राइमरी स्कूल, जो सीएम सर्कल के अंतर्गत आता है और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप सीधा इस वीडियो फुटेज के जरिए इस स्कूल के हालात को आप देख सकते हैं। ये क्या रूम होगा? ऑफिस रूम होगा। देखिए यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, और ना ताला मारा हुआ है ना क्या है, कम से कम एक ताला तो लेकर भी मार के रख देना रखना चाहिए। डीलिंग प्राइमरी स्कूल पे आया हूँ, आप सब देख सकते हैं हमारे पीछे, कैमरामैन पीछे पीछे आइए और सभी को दिखाइए। सब बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, खेलोगे कूदोगे तो लाजवाब बनोगे, पर हमारे यहाँ उल्टा है। ना स्कूल ठीक से चल रहा है, ना क्या ठीक से चल रहा है, ना हमारे यहाँ पे ग्राउंड है ना क्या है, समझ में नहीं आता है। और ये कुडुका ADC से 2 किलोमीटर दूर है, जो डीलिंग यहाँ पे सीम सर्कल के देख सकते हैं। ये है हमारे स्कूल के कमाल, जो देखिए स्कूल पूरा ऐसे हालत खत्म होके रखा हुआ है। वो गन भी अलग से टाइप लगा ना, एक तो मर रहा है। देखिए ना ब्लैक बोर्ड है, ना व्हाइट बोर्ड है, ना ग्रीन बोर्ड है। दोस्तों जैसे कि अभी आपने दिलिंग प्राइमरी स्कूल जो सीएम सर्कल में मौजूद है, उसका हालत को आप लोगों ने जाना। अभी आप लोगों को हम लिए चलते हैं जो रो मिडिल स्कूल है, रो मिडिल स्कूल सीएम सर्कल अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का है। इस फुटेज को भी आप ये नजारा देख सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे रो मिडिल स्कूल पे आया हूँ। रो मिडिल स्कूल काफी यहाँ के पब्लिकों ने बहुत रोते है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिर्फ 2 ही टीचर है बोला है, एक मिडिल स्कूल में कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना क्लास है ये हमारे रो मिडिल स्कूल, एक मिडिल स्कूल के कमाल है। देख लीजिए ये हमारा एक मिडिल स्कूल है यहाँ पे। ना बेंच है, ना टेबल है, ना क्या है, समझ में नहीं आता है। अभी आप सभी को हम तीसरा जो फुटेज है इसके बारे में बताएंगे। ये जो है दरअसल पागे नालो मिडिल स्कूल का है, जो सीएम सर्कल के अंतर्गत आता है और ये भी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का है। आप देखिए ये रिपोर्ट 1972 में, देख लीजिए। मैं इस वक्त ये पागे मिडिल स्कूल पे आया हूँ, यहाँ स्कूल की हालत दिखाने के लिए। और शायद स्कूल भी बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, शायद एक हफ्ता ऐसे हो रहा है बोल रहा है, उसने एडमिशन लेके चला गया बोल, कैसे खबर आ रहा है कि यहाँ की बस्ती वाला की कहना है। एक मिडिल स्कूल है, पूरा ये सब पूरा टूटा हुआ है, टीना है ना क्या है, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ कौन बैठ के पड़ेगा यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है। ना बकरी पड़ता है, ना गाय पड़ता है, ना कौन पड़ता है स्कूल में। एक भी पूरा यहाँ पे 3 स्कूल पे हमने देख लिया, एक भी बेंच टेबल नहीं है, कहाँ बैठ के बच्चा पड़ेगा। ये है पागे नालो मिडिल स्कूल के कमाल, देख लीजिए आप सभी। सीम सर्कल की हालत ऐसा है स्कूल के, देख सकते हैं पूरा सीम नेचुरल मेकिंग शायद पूरा ऐसे होगा, मेरा ख्याल से ऐसे लगते हैं। यहाँ पे यहाँ भी ताला नहीं है, थोड़ा से खोल के देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ 2-3 तो बेंच नीचे, देखा ही क्या नीचे पे। ये है क्या, ब्लैक बोर्ड नहीं है क्या? ब्लैक बोर्ड भी नहीं, बोर्ड को देखा है तो शायद ब्लैक बोर्ड है लग रहा है। यहाँ बेंच टेबल ही नहीं, कहाँ बैठेगा क्लास 8, 6, 7 का बच्चा। चलिए दर्शकों, आप अभी इस फुटेज के जरिए आपको पता चल गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार चल रहा है। दरअसल हम लगातार इस न्यूज के, यानी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हम लगातार आप लोगों के लिए न्यूज कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सरकार, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ईयर ऑफ द एजुकेशन घोषणा किया है। ईयर ऑफ द एजुकेशन कहा, किस हद तक जो है सही पालन किया जा रहा है, और जहां
जो दूर दराज जो जिला है उसमें जो है एजुकेशन सिस्टम कैसे है, इस चीज को आप तक हम पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश करेंगे। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर दापोरी जो है, और अभी आपको हमने दिखाया डीलिंग प्राइमरी स्कूल, उसका हालत कैसे है आपने देखा, और दूसरा जो है रो मिडिल स्कूल है उसका भी हालत को आप लोगों ने जाना, और तीसरा जो है पागे नालो जो मिडिल स्कूल है उसका हालत को भी जाना। इससे साफ पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये दूर दराज इलाका में हमारे बच्चों को यानी भविष्य को जो है कैसे पढ़ा रहा है, इसको आप अंदाजा लगा सकता है। और इस वीडियो को देख के सभी को चौंका देंगे कि क्या सिस्टम कैसे है, अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम कैसे है, और दूर दराज इलाका में हमारे बच्चे जो है किस तरह का एजुकेशन ले रहा है। और ये बात भी साफ होता है क्योंकि अगर उस जगह में अगर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही नहीं होगा तो शायद उसमें जो है टीचर भी होंगे, लेकिन टीचर जाए भी तो कैसे जाए। अगर स्कूल का हालात ऐसे है तो अगर बच्चे भी आएंगे और शिक्षक भी आएंगे तो शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि जहां पर जो है टेबल डेस्क या फिर ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड का कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर दरवाजा नहीं है, जहां पर खिड़कियां टूटी हुई है, जहां पर टॉयलेट यानी बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में अगर टीचर भी रहेंगे तो बच्चे भी आएंगे तो टीचर भी कैसे पढ़ाएंगे, और बच्चे आकर के किस जगह में बैठकर पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर एजुकेशन सिस्टम अगर ऐसा रहेगा तो अरुणाचल का भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार की ओर जा रहा है, इसको सरकार को तय करना होगा। और ये भी जरूरी है कि अपर सुबनसिरी जो सीएम सर्कल के अंतर्गत जो आता है ये किस एमएलए यानी किस विधायक का जुरिडिक्शन होता है, किस एडीसी का जुरिडिक्शन होता है, किस डीसी का जुरिडिक्शन होता है, ये तय करना जरूरी है, इनको देखा जाना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप जो है एजुकेशन को बदलने के लिए और बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो ऐसे जगह में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चला जाता है, ऐसे जगह में डीडीसी होता है वो कहाँ चला जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो अभी आपने वीडियो फुटेज देखा इसको देख करके पूरा हिंदुस्तान जो है चौंक जाएंगे कि उसका एजुकेशन का सिस्टम जो है और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल का जो है बनावटी है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, आप सभी ने देखा। और अभी इस न्यूज़ को चलाने का हमारा एक ही मकसद ये है कि सरकार की आंखें को खोलना, ये हमारा मकसद है। लेकिन आखिर में ये भी आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो फुटेज जो है हमें व्हाट्सएप के जरिए मिला है और हमको लगता है कि उस स्कूल में जो है अभी तक जो है कोई टीचर मौजूद नहीं है, शायद ऐसे भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट भी नहीं है। लेकिन तय करना सरकार का जिम्मेदारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है कि दूर दराज इलाका में हमारे बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करें, ये तय करना सरकार का जिम्मेदारी है। दर्शकों आप देखते रहिए अरुणभूमि, बने रहिए अरुणभूमि, हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।